ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ एक साल बुक कर चुका है, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। हर माँ कहानी सुनाती है, बट हर माँ की भी कहानी होती है। आओ सुने मधुबाला की कहानी। कहानी उस जमाने की है जब बच्चे रात को अगर सोते नहीं तो माँ कहती, सो जा बेटा सो जा, वरना क्राइम मास्टर गोगो आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं मधु के जन्म की। सन 1965 की कहानी है। राजस्थान के बाड़मेर जिला में एक छोटे से गांव में गढ़ सिवाना के डॉक्टर बेताब झुंझुनवाला के क्लाउड 9 बर्थिंग क्लिनिक में उनका जन्म नहीं हुआ, पर छाजेट परिवार के घर के ग्राउंड फ्लोर में हुआ। वो क्या है, मधु इज वेरी डाउन टू अर्थ, यू सी। कुदरत के इस कमाल को घर में धमाल करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो ऐश्वन जी यानी उनके फादर ने सोचा इसे बेलारी एक्सपोर्ट करना ही बेहतर है, तो चलते हैं बेल्लारी। अब मधु की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। 4 लॉलीपॉप, 2 थप्पड़ और 1 गुड़िया लगा मधु को सेंट फिलोमिना स्कूल में भेजने के लिए, पर मधु क्लासरूम में कम मैदान में ज्यादा दिखती। देखते ही देखते जवानी आई और 2 बहन और 1 भाई भी आए। अब बेल्लारी ने भी मधु को खुशी खुशी विदा किया। उनसे तंग और हैरान, मधु की बढ़ती हाइट और उम्र देख एक बार फिर उनका तबादला हुआ और इस बार फूलों की नगरी बैंगलोर में हुआ। बैंगलोर में शाम का समय था। उगम बुआ के घर एक गरम लड़का आया, एक हॉट लड़का आया। उसे देखते ही मधु को वायलिन सुनाई दिया। लड़की की तरफ चलते हुए मधु ने जाके बजते हुए टेप रिकॉर्डर को बंद किया। मधु मुस्कुराई, लड़का शर्माया और फिर क्या। अरविंद और मधु की शादी के 2 साइड इफेक्ट थे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाली। इनके नामकरण की गाथा सुनने लायक है। वन डे मधु एंड अरविंद वे बोटिंग, वो भी एट शैंकी टैंक। आई एम नॉट जोकिंग। मधु शेड, वी आर हैविंग अ बेबी। अरविंद जी फूले ना समाया, नाम तभी का तभी डिसाइड करवाया। शैंकी टैंक से आया नाम शैंकी और किनारे से आया सोच में नाम किनारी। देखते ही देखते ये दोनों हो गए बड़े, एक सर पर और दूसरा पेड़ों पर चढ़े। बर्बादी अभी जारी थी, पर अरविंद की नहीं, इस बार निशा और मयांक की बारी थी। ये था अब तक का सफर, मगर मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्योंकि रील अभी खाली है। खाली